लोजपा रामविलास संकल्प यात्रा शनिवार को चंपारण के नरकटियागंज पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सिमरा चौक स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजू त्रिवारी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का कार्य करते हुए विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिहार में रोजगार की कमी है, आगामी चुनाव में जनता विपक्ष को सबक सिखाने की कार्य करेंगी। एकदम संदेश क्लियर है, हमारा बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस हो, देश में एक नंबर का राज्य का दर्जा हो, बिहार में डेवलपमेंट हो, पलायन एकदम यहाँ से रुक जाना चाहिए, नौजवानों को रोजगार यही मिलना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार है इस गवर्नमेंट में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है, उसको एकदम प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग संकल्प यात्रा 12 तारीख से हम लोग शुरुआत सभी हमारे प्रकोष्ठ के नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे साथ चल रहे हैं, और हम लोग पंचायत स्तर तक अपनी कमेटी बना दिए, सब लोग अब बूथ स्तर तक काम करना है, क्योंकि 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव नजदीक है, और जब से हमारी पार्टी टूटी है नहीं बनी है तब से लगातार हमारे नेता और हम लोग और हमारे इतने कार्यकर्ता चिराग पासवान के लिए बिहार पर सियाली पर होने का हम लोग काम पहुँच रहे हैं। उसी क्रम में यात्रा आज पश्चिमी चंपारण की पवित्र धरती पर नरकटिया गंज के पास है। ये धरती से इस धरती से जब जब कोई संघात हुआ है वो हमेशा अपार जनता का आशीर्वाद पूरे बिहार देता है, तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और उसी क्रम में हम लोग आए सारे हमारे नेता है, आज हम लोग बैठ के समीक्षा करके सभी प्रकोष्ठ के लोगों में कुछ कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और जिला प्रशासन के भीतर हम लोग घर घर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलो 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 सब भाई होटल होटल।